दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मोदी सरकार के खिलाफ किए गए शक्ति प्रदर्शन में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए भारत बचाओ रैली का आयोजन किया है। रैली के दौरान कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर मोदी सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। अब समय आ गया है कि हम लोग अपने अपने घरों से निकले और आंदोलन करें। आज जब मैं अपने अन्नदाता किसान भाइयों की ओर देखती हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। उन्हें खाद, बिजली और पानी तक नहीं मिलता, फसल के उचित दाम नहीं मिलते। ऐसे में सरकार को बताइए कि हम उनके खिलाफ संघर्ष को तैयार नहीं है। वहीं छोटे कारोबारियों को होने वाली परेशानियों को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूर भाइयों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। छोटे बड़े कारोबारी जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वो परेशान है। हर जगह से छोटे कारोबारियों की आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। मेरी बहनें अपना पेट काटकर परिवार पालती हैं, आज महंगाई से वो त्रस्त हैं। आप बताइए कि हम लोग अपने लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भी सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारत की आत्मा को तार तार कर देगा। ये देश की आत्मा पर चोट है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खिलाफ भयानक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं देश की जनता से कहना चाहती हूँ कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम आखिरी सांस तक देश की रक्षा करेंगे। सोनिया ने रैली में कहा कि किसी भी समाज और देश के व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।